डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने में जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, उसका नाम ययाति, और ये चैप्टर है बिहार बोर्ड के 9th क्लास के बच्चों के लिए। इनकी इंग्लिश लिटरेचर की जो किताब है पैनोरमा पार्ट वन, उसका चैप्टर नंबर है ये तो ययाति का चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर टू, पेज नंबर 13 पर आप इस किताब में आप इसे लोकेट कर सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर की कहानी भी आप लोगों को बताऊंगा और ये पढ़ कर के भी सुनाऊंगा और साथ साथ में इसका विश्लेषण भी करूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में बातें बताऊंगा ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो चाहे कॉम्प्रिहेंशन के हों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या कुछ और भी हो, उसे आप आसानी से कर सकें। एक बार ये स्टोरी, ये कहानी आपके मन में सही से आ जाए तो फिर आप आसानी से इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाई चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाई पब्लिकेशन डिवीजन Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rendered in English by C. Rajgopalachari. C. Rajgopalachari, नाम आपने सुना होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, ये कहानी जो है महाभारत से ली गई है। तो हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि ययाति कौन थे। अच्छा, और ये कहानी लिखी गई है, कंपाइल की गई है चमन लाल के द्वारा, और इसे किताब से लिया गया है। उस किताब का नाम है स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, भारत की आध्यात्मिक कहानियाँ। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इस चीज़ को आप अभी भी मॉडर्न लाइफ के साथ में जोड़ सकते हैं। मॉडर्न लाइफ के साथ में इसे जोड़ करके देखने की बात इस तरीके से है कि जिसमें ये जानेंगे आप कि किस तरह लोग अपनी खुशियों की चाहत में, अपनी इच्छा की पूर्ति में बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़ी से बड़ी चीज़ें करने को तैयार हो जाते हैं, बहुत सारी बातों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो इस कहानी को इंग्लिश में रेंडर किया है मिस्टर सी राजगोपालाचारी ने, और कहानी है ययाति। तो ठीक है, हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में दो क्वेश्चन दिया गया है इस किताब में, जरा एक बार उसे भी देख लें। व्हिच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। आप चाहें तो अभी इसके बारे में जरा सा सोच लें या इस क्वेश्चन को नोट कर लें और चैप्टर खत्म होने के बाद इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी के सबसे सुनहला पीरियड कौन सा रहा है, गोल्डन पीरियड कौन सा रहा है। गोल्डन पीरियड का मतलब है वो पीरियड जब आप पूरी तरह से अपनी इच्छा के हिसाब से जीते हैं, पूरी मर्जी चलती है आपकी, जो चाहें वो कर पाते हैं। तो लाइफ के तीन स्टेज होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो आपको सोचना है और ये बातें लिखनी हैं। इसमें से हर पीरियड की अपनी लिमिटेशन है, अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग। ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम में से हर कोई हमेशा जवान क्यों बना रहना चाहता है, युवा क्यों बना रहना चाहता है। यहाँ पर युवा होने के लिए ये बात कहेंगे कि ये पीरियड कौन सा है, आपकी उम्र की कौन सी अवस्था को आप युवा, यूथ कहेंगे। तो मेरे ख्याल से 15-18 साल से लेकर के आप 45-50 साल की उम्र को कह सकते हैं। हालांकि 45-50 साल का कहना थोड़ा सा एक्सटेंडेड एज है, 40 तक कहें, 35 तक कहें। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं ययाति। तो पहला स्टांजा है, इंपेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज, ही हैड नेवर नोन डिफीट, he followed the dictates of the Shastra, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. तो इम्पेरर ययाति, महाराज ययाति कौन थे, वो पांडवों के पूर्वज थे।
पांडव आप अच्छे से समझ रहे होंगे, महाभारत में जो पांडव की बात है वही पांडव। तो ययाति उनके पूर्वज थे, उन्होंने कभी भी किसी लड़ाई में हारा नहीं था। जितनी भी लड़ाइयां उन्होंने जीवन में लड़ी थी, हर लड़ाई में उन्हें जीत हासिल हुई थी। हर लड़ाई में उनको जीत हासिल हुई थी। अच्छा, आगे ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, जैसे आप कह लो वेद हैं, पुराण हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वो भगवान की बड़ी अच्छे से पूजा किया करते थे, और इसके साथ साथ में वो अपने पूर्वजों का बहुत आदर किया करते थे। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और वो अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, प्रसिद्ध शासक थे, और साथ साथ में वो जनता की सुविधाओं का, जन सुविधाओं का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और उन्हें जो भी चीज़ें, जो भी विषय पसंद थे, उसके लिए उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था। आप कह सकते हैं कि विलासिता के भी सारे साधन उनके पास में उपलब्ध थे। ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाई द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। इस सेंटेंस में तीन शब्द बड़े ध्यान देने के हैं। एक तो है प्रीमेच्योरली, आप समझ सकते हैं मैच्योर होना और प्रीमेच्योर होना, मतलब कोई काम, कोई बात उम्र से पहले, सही अवस्था, सही स्टेज आने से पहले हो जाना। दूसरी बात, यहाँ दूसरा टर्म है कर्स। कर्स का मतलब है श्राप, अभिशाप। तो हम लोग ऐसे पीछे के समय में सुनते आए हैं कहानियों में, महाभारत में, रामायण में, कि जो बड़े लोग होते थे, तपस्वी होते थे, राजा होते थे, या जिन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया हुआ होता था, उनके पास में ऐसी शक्ति होती थी कि अगर वो किसी को कोई बात कह दें तो वो उनके ऊपर में लग जाती थी। तो श्राप देने का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, कि उसको एक तरह का पनिशमेंट देना कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, या ऐसे हो जाओगे, बुरी हालत के शिकार हो जाओगे। और इसी का एंटोनिम होता है बून, वरदान देना, जहाँ पर वो पॉजिटिव सेंस में होता है, जहाँ पर लोग उसको कोई अच्छी सी बात, अच्छा सा गिफ्ट, या ज़्यादा पावर, स्ट्रेंथ, इस तरह की चीज़ें देते हैं। तो यहाँ है कि ही बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। तो ययाति एक बार अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। अब बात आती है कि भाई उन्होंने क्यों श्राप दिया होगा, किसी बात को लेकर के नाराजगी होगी, या ययाति ने कोई बहुत ही गंदा काम किया होगा जिसके लिए उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दी गई कि वो समय से पहले बूढ़ा हो गया। तो ये बात ऐसे है कि ययाति ने कभी महर्षि शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी के ऊपर में बुरी दृष्टि डाली थी, मतलब उनके बारे में उन्होंने कोई गलत बात सोची या कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, ऐसा कुछ, और शुक्राचार्य जी को पता चला होगा, तो इसलिए उन्होंने इसे इतना बड़ा श्राप दिया कि वो उम्र से पहले ही, बुढ़ापा आने से पहले ही बूढ़ा हो गया। इन द वर्ड्स ऑफ द पोइट ऑफ द महाभारत, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज हिज डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज। तो पोइट ऑफ द महाभारत, आपको याद दिला दूं कि महाभारत अपने आप में लिटरेचर का प्रोज नहीं है, वो पोयम है, मतलब वो पद्य है। वो कहा जाता है कि महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी कविता है। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि ययाति अटेंड द ओल्ड एज, ययाति को बुढ़ापा आ गया, और वो बुढ़ापा जो आपकी सुंदरता को खत्म कर देता है और आपके लिए तमाम दुखों के पहाड़ लेकर के आता है, बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट लेकर के आता है। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ ए विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इन टू एज, वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाई पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। तो इसमें भी दो चार शब्द हैं जो आपको समझना चाहिए। तो इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब, मतलब इस चीज़ को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या तकलीफ हो सकती है एक युवा आदमी की। वो युवा आदमी जिसके अंदर में इतना जोर था, इतना जोश था, और इतना उत्साह हुआ करता था, और उसको अचानक ही इतनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा कि वो अचानक से बूढ़ा हो जाता है, उसे इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा,
कि वो जवानी के दिनों में ही बूढ़ा हो गया और इस वजह से क्या होता है, उसकी खूबसूरती चली गई, उसका युवा होने, वो युवा होने की अवस्था जो है, यूथफुलनेस उसका खो गया, उसे इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और ये नुकसान क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उन्हें श्राप दिया था। तो आगे लिखा है कि वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाई पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। तो इसमें किसी जवान आदमी को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया जाए तो इसमें और भी तकलीफ है ना, कि भाई उसे क्या क्या दुख उठाने पड़ सकते हैं। वो अचानक से बूढ़ा हो जाएगा तो जवानी के बहुत सारे काम कर नहीं पड़ पाएगा, उसके अंदर की वो चुस्ती फुर्ती गायब हो जाएगी, साथ ही साथ उसे समय समय पर अपनी जवानी के, युवावस्था के यादें आती रहेंगी, जिसको याद कर करके वो शोकाकुल रहेगा, वो और भी दुखी जीवन जिया करेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। अब ययाति जो अचानक बूढ़ा हो गया था, उसे अभी भी बहुत सारी उन बातों की चिंता होती थी, या उसके अंदर में ये इच्छा हुआ करती थी कि जिस तरह से वो युवावस्था में अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहा था या कामुक हुआ करता था, उन्हें उन चीजों की यादें सताया करती थी। ही हैड फाइव ब्यूटिफुल सन्स, उसके पांच बड़े ही सुंदर लड़के थे, ऑल वर्चुअस एंड अकॉम्प्लिश्ड, और सारे के सारे बच्चे जो थे वो बड़े ही कला प्रवीण थे, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे, और उन्होंने उसमें एक अचीवमेंट हासिल किया हुआ था। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पाइटियसली टू देयर अफेक्शन। यहाँ पे एक शब्द है पाइटियसली, पाइटी PITY, पाइटी होने का मतलब होता है बहुत ही ऐसी स्थिति जिसमें कि किसी को भी दया आ जाए। तो ययाति ने एक एक करके अपने सारे बच्चों को बुलाया और उसके सामने में अपने प्रेम की, अपने स्नेह की दुहाई दी और उससे याचना की अपनी इस दर्दनाक स्थिति के बारे में कि वो अचानक से युवावस्था में ही बूढ़ा हो गया है और इतना बूढ़ा हो गया है। तो वो कहता है, द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी। आई लाइव्ड ए लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्रेजर्स। One of you out to bear the burden of my old age and give his youth in return। तो वो अपने बच्चों से याचना करता है, भीख मांगता है, अपील करता है, कहता है कि शुक्राचार्य जी ने मुझे श्राप दे दिया है और उसकी वजह से मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर में कोई खुशी की भावना ही नहीं रह गई है और मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आगे मेरे लिए भविष्य में क्या रखा हुआ है। मैंने एक बड़ी अच्छी जिंदगी जी है जिसमें बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारी मस्तियाँ थी और कई बार मैंने जो सांसारिक नियम वगैरह हैं संसार में रहने के, समाज के, उनकी अवहेलना करते हुए भी मैंने उन सुखों की, उन खुशियों की प्राप्ति की है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों में से कोई एक मेरा ये बुढ़ापा ले ले और मुझे अपनी जवानी दे दे। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom। अब यहाँ पर शर्तें भी हैं, यह आती अपने बच्चों के सामने में शर्त लगा रहे हैं, लड़कों के सामने में, कि जो ऐसा करेगा, मतलब जो यह आती का बुढ़ापा ले लेगा और उसके बदले में उसी अपनी युवावस्था, जवानी दे देगा, यह आती उसे अपने राज्य का अगला राजा उसे घोषित कर देंगे। आई डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ। तो ययाति का कहना है कि मैं तो पूरी जिंदगी युवा बन करके ही जीना चाहता हूँ, पूरे जोश के साथ में, उत्साह के साथ में ही जीना चाहता हूँ और यही मेरी हार्दिक इच्छा है। He first asked his eldest son to do his bidding। तो सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े लड़के से कहा कि तुम ऐसा कर लो कि तुम अपनी जवानी मेरे बुढ़ापे के बदले में दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। बिड करने का मतलब होता है, बिड टर्म अक्सर हम लोग देखते हैं अखबारों में या कहीं पर भी जहाँ पर एक कीमत चुकाने की बात होती है किसी बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। सो दैट सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग,
वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज आई कैनॉट डू सो आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ तो उनका बड़ा लड़का उनकी याचना के जवाब में कहता है कि हे महाराज हे महान राजा जो महिलाएं हैं और जो नौकर हैं वो सब के सब मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपका बुढ़ापा ले लूं और मैं आपको अपनी जवानी दे दूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता आप ये काम अपने छोटे बच्चों से मेरे छोटे भाइयों से करने को कहिए जो आपको मुझसे ज़्यादा प्यारे हैं ऐसा कहता है उनका बड़ा लड़का और ये कह करके वो मना कर देता है When the second son was asked, he gently refused with the word. अब राजा ने ययाति ने दूसरे लड़के से कहा तो उसने भी बड़ी विनम्रता के साथ मना कर दिया और उसने क्या कहा Father, you ask me to take up old age which destroys not only strength and beauty, but also, as I see, wisdom. I am not strong enough to do so. तो वो कहता है कि पिताजी आप मुझे अपना बुढ़ापा देना चाहते हैं और वो बुढ़ापा जो ना ही ताकत को ख़त्म कर देता है सुंदरता को ख़त्म कर देता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विद्वता बुद्धिमानी बुद्धि को भी ख़त्म कर देता है और मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और मैं इतना बलवान नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा जोखिम उठा सकूँ मैं ये काम कर सकूँ अब बारी आती है तीसरे बेटे की अब देखें वो मना करता है या प्रपोजल बिड को एक्सेप्ट कर लेता है तो द थर्ड सन रिप्लाइड एन ओल्ड मैन कैनॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट हिज स्पीच विल फाल्टर व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट आई कैनॉट एग्री तो तीसरा लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि बूढ़ा आदमी तो घोड़ा भी नहीं दौड़ा सकता या हाथी की सवारी भी नहीं कर सकता और तो और उसकी आवाज़ कांपती है थरथराती है और मैं इतनी बुरी स्थिति में रह करके इतनी असहाय स्थिति में रह करके नहीं जीना चाहता कहने का मतलब है कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता और वो कहता है आई कैन नॉट एग्री मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता द किंग ग्रीव एंग्री अब राजा के नाराज होने की बारी थी राजा को उम्मीद थी कि भाई उसमें उसके जो बेटे हैं उसमें से कोई ना कोई बेटा तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा When he saw that his three sons had declined to do as he wished, he hoped for better from his fourth son. तो अब राजा ने देखा कि उसके तीन बेटों ने उसे उसकी इच्छा को पूरा करने से मना कर दिया और उसे थोड़ी उम्मीद लग रही थी अपने चौथे बेटे से जिसको उसने प्यार से कहा क्या कहा तो ययाति ने कहा You should take up my old age if you exchange your youth with me. I shall give it back to you after some time and take back the old age. With which I have been cursed. अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ययाति ने ये प्रपोजल जो रखा था उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया है जरा सा चेंज किया है कंडीशंस में अब वो ये कहते हैं कि अगर तुम मेरा बुढ़ापा ले लोगे तो थोड़े समय के बाद में मैं फिर वापस तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम कि मैं कुछ समय के बाद में तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा और फिर से मैं अपना बुढ़ापा तुमसे वापस ले लूंगा जिसका मुझे श्राप मिला है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउटफुल सिचुएशन की बात लग रही है अच्छा तो यहाँ पर हम लोग जरा सा कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं आपको एक बार सोचना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को हु वाज एम्परर ययाति हाउ डिड ययाति बिकेम ओल्ड हु कर्स्ड हिम Was Ayati devoid of sensual desires? What was the reply of his eldest son? Why did he become angry? तो ये सवाल हैं कि राजा ययाति कौन थे वो क्यों बूढ़े हो गए थे किसने उन्हें श्राप दिया था और क्या ययाति के मन में अभी भी कामुक इच्छाएं बची हुई थीं और साथ में ये भी है कि उनके सबसे बड़े लड़के ने क्या जवाब दिया और राजा क्यों नाराज हो गए The fourth son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to. An old man has to seek the help of others even to keep his body clean. A most pitiful plight. No much as he loved his father, he could not do it.
चौथे लड़के ने भी क्या कहा, चौथे लड़के ने कहा, चौथे लड़के ने उनसे रिक्वेस्ट किया, भीख मांगी कि अगर वो उसे माफ़ कर दें तो। एज दिस वॉज ए थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट टू, क्योंकि ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसके लिए कोई भी आसानी से नहीं मान सकता है। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए और बीमार हो जाए तो ऐसी भी स्थिति होती है कि वो अपने शरीर का सही से ख्याल नहीं रख सकता, साफ सफाई नहीं रख सकता। और हालांकि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, फिर भी वो ये करने को राजी नहीं था, वो भी एग्री नहीं था। तो हम लोगों ने देखा कि चौथे लड़के ने भी ये करने से मना कर दिया। अब क्या होता है, ययाति वाज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन्स। ययाति को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो थोड़े से भौचक्के से हो गए कि जब एक एक करके उन्हें चारों लड़कों ने मना कर दिया। He paused for some time and then supplicated his last son, who had never yet opposed his wishes. तो यहाँ पर एक शब्द है supplicate. Supplicate का मतलब है address करना, कहना, बहुत ही विनम्रता से कहना, address humbly. तो राजा ने अपने पांचवें बेटे से, जो सबसे छोटा लड़का था, उससे उन्होंने अपना ये रिक्वेस्ट रखा, उसके सामने में ये इच्छा रखी, जिसने आज तक कभी भी इनकी बातों को मना नहीं किया था। तो राजा कहते हैं, ययाति कहते हैं, यू मस्ट सेव मी, आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। आई कैनॉट बियर इट, इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ These infirmities I shall enjoy for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. तो वो कहते हैं ययाति अपने आखिरी बच्चे से, पांचवें बच्चे से, जिसने आज तक कभी भी उनकी बातों को मना नहीं किया था, कि मुझे ये बुढ़ापा मिल गया है क्योंकि शुक्राचार्य जी ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, मैं बहुत ही दुर्बल हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और अगर तुम ये सारी चीज़ें, ये दुर्बलताएँ अपने ऊपर ले लेते हो, मतलब मेरा बुढ़ापा ले लेते हो, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और इंजॉयमेंट कर पाऊँगा, कुछ साल और भी युवावस्था में, जवानी में जी करके बिता पाऊंगा, और उसके कुछ समय के बाद मैं वापस तुम्हारी जवानी तुम्हें लौटा दूंगा और तुमसे अपना बुढ़ापा इन सारी दुखों के साथ में वापस ले लूंगा। फिर आगे वो कहते हैं, पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर इल्डर ब्रदर्स हैव डन। तो आखिरी लड़के का, पांचवें लड़के का, छोटे बच्चे का नाम है पुरु। तो राजा उससे प्यार से कहते हैं, नाम लेकर के कहते हैं कि पुरु तुम मुझे अपने बड़े भाइयों की तरह से मना नहीं करना। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव सेड, फादर आई ग्लैडली गिव यू माय यूथ एंड रिलीव यू ऑफ सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, बी हैप्पी। हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकेम ए यूथ। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनोन। तो अब क्या होता है कि जब राजा ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करके और इस तरह से बार बार रिक्वेस्ट करके, बड़े प्यार से, बड़े हम्बल तरीके से पुरु को, अपने सबसे छोटे लड़के को जब ये बात कहा, तो वो इन बातों से हिल गया और वो सहमत हो गया। उसे कहीं ना कहीं अपने पिता के ऊपर में दया भी आ गई होगी, ऐसी बात भी हो सकती है। तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया और वो कहता है कि पिताजी आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सोरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, बी हैप्पी। कि पिताजी आप खुश हो जाइए, मैं बड़ी खुशी से अपनी जवानी आपको देता हूँ और इसके बदले में आपका बुढ़ापा और वो सारी चीज़ें ले लेता हूँ, और मैं अब से इस राज्य का, मतलब आपके राज्य का ख्याल भी रखूँगा, क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था ना, ययाति ने प्रॉमिस किया था कि वो उस लड़के को अपना राजा भी बना देगा जो ये एक्सचेंज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सुनते ही ययाति फिर से एक युवा बन गए, जवान व्यक्ति बन गए, और पुरु जो उनका सबसे छोटा लड़का था वो बूढ़ा हो गया, और अब उसके पास में
वो राजगद्दी भी थी और उसने वहाँ पर बड़े प्रसिद्धि के साथ में शासन करना शुरू किया। ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड, वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा एंड स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मैडन। तो अब देखते हैं कि ययाति जब वापस जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं। उन्होंने फिर से एक युवा के तौर पर, जवान आदमी के तौर पर जिंदगी जीना शुरू किया और वो, उन्हें और खुशियाँ चाहिए थी, और भी मस्ती करनी थी और वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे। तो वो क्या करते हैं कि वो कुबेर के बगीचे में चले जाते हैं, कुबेर के बाग में चले जाते हैं और वहाँ पर वो कई साल बिताते हैं वहाँ की कुंवारी अप्सराओं के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि ययाति को किस तरह की खुशियाँ चाहिए थी। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा था कि उसने एक्सेप्ट किया था कि उसने युवा अवस्था की मस्ती हासिल करने के लिए, खुशियाँ हासिल करने के लिए कई सारे सांसारिक नियमों की अवहेलना भी की थी। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जब उसे अपने छोटे बेटे से एक्सचेंज में जवानी, युवावस्था मिल जा रही है, तो वो कुबेर के राज में चले जाते हैं और वहाँ की अप्सराओं के साथ में अपने दिन हंसी खुशी से बिताते हैं। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाई इंटेलिजेंस द ट्रूथ डाउन ऑन हिम रिटर्निंग टू पुरु ही सेड। तो जब इस तरह से काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल बीत गए और वो इतने सालों तक अपनी आसक्ति में लगे रहे, अपनी इच्छा पूर्ति में पूरी तरह से संलिप्त रहे, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी खुशियों के दिन बिताए, अप्सराओं के साथ में उनका नृत्य देखना, मधुपान करना, डांस के प्रोग्राम देखना, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद आगे क्या होता है कि वो एक बार फिर से लौट करके आते हैं अपने लड़के के पास में, उसी लड़के के पास में जिसका नाम है पुरु, जिसके साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक्सचेंज किया था कि मैं एक दिन वापस तुम्हारी जवानी तुम्हें लौटा दूंगा और वापस अपना बुढ़ापा ले लूंगा। क्योंकि उन्हें एक सच तो याद था और ये बात तो याद रहनी ही चाहिए कि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ कि ये जवानी मैंने थोड़े समय के लिए लिया है, ये व्यवस्था उन्होंने अपने बेटे से एक कमिटमेंट, एक एक्सचेंज के तहत थोड़े समय के लिए लिया है। तो वो कहते हैं, डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस एनी मोर देन फायर इज बाय पावरिंग ही इन इट। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन। वी कैन रीच पीस ओनली बाई मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण। टेक बैक योर यूथ एंड रूल दिस किंगडम वाइजली एंड वेल। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों तक जब उन्होंने जवानी का लुत्फ उठाया, जो जवानी उन्हें अपने छोटे बेटे से मिली थी एक्सचेंज के तौर पर, तो कहीं ना कहीं राजा का दिल भर गया, मन भर गया इन चीज़ों से और कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंदर ज्ञान आ गया या उन्होंने जीवन के सच को समझ लिया। तो वो कहते हैं कि प्रिय बेटे, कि ये जो युवावस्था की इच्छाएं होती हैं, ये जो कामुक खुशियों की बात होती हैं जिसमें हम अप्सराओं के साथ में, महिलाओं के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, और ये जो प्यास है, ये जो भूख है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये तो बस कुछ इस तरह से है कि जितना घी डालो उतना बढ़ता जाता है। तो अगर लोग अपने मन पर रोक न लगाएं, अपने को कंट्रोल में ना रखें, तो इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तो ययाति फिर आगे भी कहते हैं कि मैंने ये सुना भी है और मैंने पढ़ा भी है और अब मैं ये महसूस करता हूँ, मैंने ये बात समझ लिया है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। चाहे वो इच्छा बहुत ज़्यादा अनाज की हो, बहुत ज़्यादा सोने चांदी की हो, बहुत ज़्यादा जानवरों को, पालतू जानवरों को अपने पास रखने की हो, बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ में रहने की बात हो, तो इन इच्छाओं का कोई और अंत नहीं है और ये कभी भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती। वी कैन रीच पीस ओनली बाई ए मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो वो ये भी कहते हैं कि हम शांति के रास्ते पर, हमारे मन में शांति तभी हो सकती है जब हम उस मानसिक अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर हम इच्छाओं से, पसंद और नापसंद से
दूर खड़े होते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, और यही ब्राह्मण की एक सही अवस्था होती है जहाँ पर उसके अंदर में इस तरह की इच्छा, इस तरह के लालच की कोई जगह नहीं होती, उसके अंदर कोई पसंद नापसंद की बात नहीं होती। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड विल, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब तुम अपनी युवावस्था जवानी वापस ले लो और इस राज्य पर और बुद्धिमानी से और भी अच्छे तरीके से शासन करो। With these words, Yayati took back his old days, and now Puru, who regained his youth, was made king by Yayati, who retired to the forest. He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. तो जैसे ही Yayati ने ये सारी बातें अपने बेटे से कही, तो इसके साथ ही ये कह करके उन्होंने पुरु की युवावस्था उसको वापस लौटा दिया और अपना बुढ़ापा उससे वापस ले लिया। तो अब पुरु फिर से जवान हो गए, युवा हो गए, और उसके बाद ययाति ने उन्हें फॉर्मल तौर पर अपनी इच्छा से वहाँ का राजा बना दिया। इससे पहले जब उन्होंने पुरु को राजा बनाया था तो वो तो एक डील थी, वो तो एक एक्सचेंज था, है ना। लेकिन इस बार ययाति ने अपने बेटे, छोटे बेटे पुरु को अपनी खुशी से राजा बना दिया, उसे राजा बना दिया और उसे उत्तराधिकारी बना करके रख दिया। और इसके बाद ययाति ने अपना बुढ़ापा एक्सेप्ट किया और वो जंगल चले गए। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि लोगों के जिंदगी में बुढ़ापे के बाद या बुढ़ापे के साथ साथ में एक अवस्था, एक एज, एक पीरियड हुआ करता था जिसे वो कहते थे वानप्रस्थ, जिसमें वो अपने आप को सांसारिक मोह माया, परिवार, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इन सब के लालच से मुक्ति कर छोड़ करके वो एक तपस्वी की जिंदगी जीते थे, एक ऋषि, एक संत की जिंदगी जीना चाहते थे, और वो जंगल में चले जाया करते थे जहाँ पर वो एकांतवास करते थे। तो यहाँ पर ययाति ने ऐसा ही किया, उन्होंने सेल्फ रिटायरमेंट ले लिया और वो जंगल में चले गए और वहाँ जा करके उन्होंने बाकी का समय तपस्या करने में, मनन चिंतन करने में बिताया, और समय के साथ में उनकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग में गए, वो स्वर्गवासी हुए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, यू मस्ट थिंक अबाउट इट, आपको सोचना चाहिए कि इस कहानी का मोरल क्या है। तो इस कहानी का मोरल ये है कि लोगों को सांसारिक मोह, सांसारिक लोह लालच, पद प्रतिष्ठा, सोने चांदी, युवावस्था, भोग विलास, इन सब के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके पीछे पड़ते हैं तो इनकी कोई सीमा है नहीं। ठीक है, युवावस्था एक फेज है लाइफ का, उस समय में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो लेकिन ये चीज़ें उसी पीरियड तक, युवावस्था तक ही सीमित होनी चाहिए। लोगों को उम्र के साथ बड़े होना चाहिए, लोगों को उम्र के साथ अनुभवी होना चाहिए। हर उम्र का, चाइल्डहुड का, यूथ का, ओल्ड एज का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। इस पर मैं अलग से एक लेक्चर कभी फिर से दूंगा कि ज़िंदगी के अलग अलग स्टेज का क्या इम्पोर्टेंस है और हम लोग कैसे उसमें खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस कहानी में ययाति एक समय को भटक गए थे और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे लालच में, एक ऐसी अवस्था में पड़ गए थे जब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जवान बने रहना और संसार के सारे सांसारिक सुख सुविधा का लाभ उठाना, भोग विलास में रहना, यही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। लेकिन बाद में, एक समय के बाद में उन्हें ये चीज़ें महसूस हुई, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और अपनी उन्होंने गलती को सही भी करने की कोशिश की। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर डिस्कशन कैसा लगा मैं ये जानना चाहूँगा। आप इसे इस पोस्ट के कमेंट में डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ और भी चीज़ें समझने की हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी उसमें मेंशन किया हुआ है तो मैं अलग से आपको उसका जवाब भी दूंगा।
और आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं एक एक करके बिहार बोर्ड के सिलेबस में इंग्लिश की जो किताब है पैनोरमा क्लास 9 के लिए और 10th के लिए, इसके सारे ही चैप्टर्स का, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो, सबका फुल चैप्टर डिस्कशन अपलोड करूँगा। आप इसे सुने, ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इसे अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे आखिर में यही कहूँगा कि आप न्यू एज कोचिंग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये हर तरह से आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सो हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग ऑल द अपलोडेड एपिसोड्स और चैप्टर्स ऑफ न्यू एज कोचिंग। यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड इट कुड बी अ वेरी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस फॉर योर स्टडी एंड लाइफ ऑल्सो। हैप्पी लर्निंग। Bye-bye.